बिहार के सरकारी स्कूल में कक्षा एक से लेकर आठवीं तक का परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास जो है कक्षा आठवीं के गणित का प्रश्न पत्र आ चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं। और यही है ना प्रश्न पत्र, आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है तो बिल्कुल क्लियर समझना है और एग्जाम से पहले छाप देना है, ठीक है। तो यहीं पर आएंगे और यहाँ पर दिया समझे सही विकल्प का है चिन्ह लगाइए और यहीं पर लिखा हुआ समझे आपको टिक लगा देना सही विकल्प पर। तो यहाँ पर क्लियर समझना और यहाँ पर नीचे आएंगे और पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए -9/13 उसका क्या पूछ रहा है कि योज प्रतिलंब पूछता है। तो आप जानते हैं कि योज प्रतिलंब किसे कहते हैं, तो उस संख्या को कहते हैं जो है ना माइनस जो होता है उसको प्लस में लिया जाता है, समझ माइनस प्लस वाला को माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ क्लियर समझना है, यहाँ पर -9 दिया हुआ है और 13 तो इसको हटा देना हो, यहाँ पर 9/13 हो इसका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ख में जाएगा सही आंसर। चलिए काफ़ी शानदार यहीं पर है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार का क्वेश्चन कहता है। यहाँ देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया आपको है ना, यहाँ पर देख सकते आप आंसर नोट करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ बहुत प्रॉब्लम होगा जब आप मैथ सीखेंगे तब, तो यहाँ पर क्लियर समझना है, मैं आपको मैथ सिखा रहा हूँ एक करके। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि -5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का, आप जानते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं जो ऊपर वाला को नीचे और नीचे वाला को ऊपर कर देना वही गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है, और माइनस रहेगा तो माइनस जो रहे जो माइनस रहेगा उसको प्लस में, जो प्लस में रहेगा उसको क्या करना है माइनस में कर देना है। तो क्लियर समझना है, चलिए सॉरी कोई बात नहीं है। यहाँ पर -5/2 दिया हुआ है तो इसको हम करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं 2 ऊपर जाएगा 5 का आ जाएगा नीचे, और जो माइनस है ना वहीं पर आपको रख देना 2/5 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए काफ़ी शानदार, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, तो बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में यही प्रश्न कुछ दिया हुआ समझिए। यहाँ देख सकते हैं 3x/18 दिया हुआ है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या होगा 18/3, तो काट के निकालेंगे तो 6 आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा वो ग हो जाएगा सही सर। क्लियर समझना है आपको, आंसर भी नोट नहीं करेंगे तो आपको समझ कर ना मैथ बनाना एक एक करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोने के मापों का योग कितना होता है। आप जानते हैं किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का जो मापों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है, तो आप जानते हैं 360 डिग्री होता है, तो क्लियर समझ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में यही प्रश्न पूछ दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कहता है, यहाँ देखिए कि वर्ग अंतराल 225 - 250 का साइज क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है साइज क्या होगा। तो अब वर्ग अंतराल में क्या करेंगे, a2 - a1 का फॉर्मूला लगाएंगे, a2 - a1, तो a2 कौन होता है, तो यहाँ पर देख 250 दिया हुआ है, अब -a1 कौन दिया हुआ है, तो 225 दिया हुआ है, क्लियर। इसको घटा देना और इसका आंसर क्या होगा 25 का आ जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछ दिया हुआ, यहाँ देख सकते हैं स्तंभ अ के दिए गए बहुभुज स्तंभ ब के में मिलाना है, मतलब ख में दिया हुआ है, ठीक है, और ख में दिया हुआ है इनको मिलाना है। तो यहीं देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि त्रिभुज में कितना डिग्री होता था, आप जानते हैं कि मैं पहले ही बताया कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आगे बढ़ते हो, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 में चतुर्भुज के चारों कोण का मान कितना होता है, तो 360 डिग्री होती है, यहाँ पर देखिए मिलाया गया है। अष्टभुज के तो यहाँ पर देख सकते हैं 540 डिग्री का कोण मान होता है, पंचभुज दिया हुआ होता है और है अष्टभुज है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 720 हो जाएगा, और अष्टभुज का कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 280 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैच कर लेंगे एक एक करके प्रश्न पत्र। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार का क्वेश्चन कहता है, कोष्टक के सभी विकल्प जो है ना चुनकर खाली जगह को क्या करना है, भरना है। तो सिंपल आपको समझना है कि -7 दिया हुआ है, -7 और माइनस ब्रैकेट में -3, तो इसको क्लियर करना है। यहाँ देखिए -7 और माइनस माइनस गुना करना तो प्लस और बट्टा यहाँ पर +3, तो 3 में से 7 जाएगा तो क्या होगा -4 बचेगा, तो इसका आंसर क्या होगा सर जी, यहाँ देख सकते हैं -4 बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ख में प्रश्न दिया हुआ, दंड आलेख का प्रत्येक दंड की चौड़ाई जो है ना क्या होता है, समान होता है, बिल्कुल क्लियर समझना है। यहाँ पर आंसर समझ, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ, ये एक अवतल दर्पण, याद रखना क्लियर समझना है, यह एक अवतल दर्पण। यहीं पर प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखिए एक पासे को फेंकने पर 6 अंक प्रायिकता 1/2 क्या होगा, तो देखिए पासा जो किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं कि पासा उसे कहते हैं जो लीडो छक्का होता है उसे कहते हैं पासा, तो पासा में कुल कितना अंक होता है 6, अब यहाँ पर पासों को 1/2 तो 1/2 में कुल परिणाम कितना होता है, कुल पासों की संख्या कितना होता है 6, तो 1/6 इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और यही में प्रश्न दिया हुआ, यहाँ देखिए ग में अंगा में दिया हुआ है कि 24 का स्क्वायर -23 का स्क्वायर, आप जानते हैं कि 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको क्लियर समझना है।
भाई ना देखिए यहाँ पे है ना 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 24 का स्क्वायर 576 होता है, माइनस और 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। इसको घटा देंगे और यहाँ पर निकल जाएगा 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये 6 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 5 से तो 5 कट गया तो 47 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्न दिया हुआ है कि आंकड़ों के अंतिम और न्यूनतम मान का जो है अंतर अंतर को क्या कहते हैं, तो परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? परिसर। यहाँ पर दिया हुआ क्या वर्ग के दोनों वर्ग विकर्णों की लंबाई क्या होता है, तो समान होता है। आपको क्लियर समझना है, सम संख्या का वर्ग समान होती है तो विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, समान होता है। ठीक है, याद रखना है, सम संख्या होता है, विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, सम संख्या होता है। क्लियर समझना है। और यहाँ देखिए क्या वर्ग दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होता है, क्या वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होता है, तो क्लियर समझना है, बराबर होता है। यहाँ पर देखिए और यहाँ दिया अंगा में कि यहाँ पर सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है या विषम संख्या, तो आप जानते हैं कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। यहाँ पर क्लियर समझना है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर कहता है एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 1080 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर समझना है। तो उसकी उसमें कितनी भुजाएँ होंगे, तो आपको जानते हैं ना बहुभुज निकालने के लिए इसका फॉर्मूला लगेंगे n-2 अगुण है और 180 बराबर दिया हुआ है, इसका योग कितना 1080 दिया हुआ है। क्लियर समझना है। तो n-2 और बराबर 1080 बट्टर में क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इससे इसे काटेंगे तो यहाँ पर 6 निकल जाएगा, और तो n-2 बराबर 6, तो 6 2 कितना हुआ, एक n-6 इधर जाएगा तो माइनस था तो प्लस में, तो 6 2 8 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्लियर समझना है, 8 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसी में क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि 15625 का वर्गमूल दीर्घ विभाजन से निकालना है, तो आप जानते हैं कि दीर्घ विभाजन से इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है और यहाँ से एक एक करके निकाल लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते और यहीं में प्रश्न दिया हुआ है किसी त्रिभुज के तीनों कोण का मान 2:3:5:5 का दिया हुआ है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान क्या होगा। तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोणों का ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप जानते हैं कि मैंने यहाँ पर मानेंगे पहला कोण क्या दिया हुआ, तो 2 और 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 2x और यहाँ पर दूसरा है 3x और तीसरा क्या 5x। अब इसका मान बाद में निकालेंगे, तो तीनों को जोड़ देना, 2x 3x 5x, 10x निकल जाएगा बराबर। आप 180 दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180, तो यहाँ से काटेंगे ना तो 18 निकल जाएगा, इतना निकलेगा 18। अब यहीं पर 18x का मान हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आप जानते हैं कि आप माने हुए थे कि पहला कोण है 2x माने थे, तो 2 अगुण है और x का मान 18, तो यहाँ पर 18 दोनों 36 हो जाएगा। दूसरा कोण 3x माने थे, तो 3 अगुण x का मान 18, तो 18 तय करना हो 54। और तीसरा था 5x था, तो 5x, तो यहाँ 5 × 18, तो 18×5 क्या हुआ 90, तो इसका आंसर हो गया। क्लियर समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ, यदि किसी घन का आयतन 125 है, तो इस घन का भुजा क्या होता है। आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, एक यू होता है, क्या होता है, एक यू, तो एक यू ना होता है, और इसका भुजा का मान 125 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए निकालना है जबकि एक यू नहीं निकालना। ठीक है, ए निकालना, तो ए निकालना यहाँ पर, तो बराबर लिखेंगे 125, ये जो है ना ये रूट में जाएगा और यहाँ पर क्यों हो जाएगा, 125 का क्यों कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5 होता है, इसका आंसर क्या होगा 5। क्लियर समझना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस और एक्स माइनस यहाँ पर दिया हुआ 2 और उसका होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ 32। क्लियर समझना है, तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना फॉर्मूला, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर -2ab + b² होता है, तो -2 × में ए का मान एक्स इंटू बी का मान कितना 2, तो 2 प्लस बी का मान फिर 2 है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या देगा 32, तो यहाँ पर 32 लिख दें, और यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर -4x हो जाएगा, अब प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब बराबर क्या होगा 32 हो जाएगा, इस तरह से समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर -5 क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए आपको मैं समझाते हैं, यहाँ पर समझिए, देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पर -- प्लस और -- क्या होगा माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, और -- क्या होगा प्लस हो जाएगा, जो कि -+ क्या होता है माइनस होता है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर क्लियर समझना। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं एक्स कट जाएगा और यहाँ पर देखिए 4x - 32 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 4x निकालना है, तो 32 आ जाएगा सबसे पहले, और 4 जो है ना माइनस में उधर जाएगा और प्लस में होगा, तो 4x = 36 हो जाता है, काटेंगे तो क्या होगा 4×36 का आंसर क्या होगा 9 हो जाएगा, समझ सकते हैं, क्लियर समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 ही नहीं हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर दिया किसी वाले का जो है, यहाँ पर देखिए कहता है
किसी विद्यालय के विद्यार्थियों का संपादन किए जा रहे हैं मिठाई के आंकड़ों दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि मिठाई जो होता है वो गोल होता है, तो एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर त्रिभुज बनाया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर आपको समझना है, ठीक है, यहाँ पर वृत्त दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर समझना। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि वृत्त का जो है 40%, जलेबी है 40%, लड्डू है 20% और पेड़ा है 25% और खाजा है 10% और है ना यहाँ पर दिया हुआ अन्न 5%, ठीक है। तो आपको समझना क्या प्रतिशत निकालना, प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या जैसे जलेबी का मान दिया 40% भट्टा में प्रतिशत के बदले में 100 × 360 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि दे दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और यहीं से 0 से 0 कट जाएगा और 4 से गुना कर देंगे तो 144 आएगा, 36 में 4 से गुना करेंगे 144 आ जाएगा, क्लियर समझना। अब लड्डू का आंकड़ा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि लड्डू जो है ना 20% दिया हुआ भट्टा में 100 अगुने, आप जानते हैं कि 360 डिग्री होता है, यहाँ पर वृद्धि दिया हुआ है तो 0 से 0 कट जाएगा और यहीं से 10 × 20 और यहीं पर गुना करते 36 × 10 करना 72 हो जाएगा इसका आंसर। पेड़ा दिया पर बड़े पाप रे पेड़ा बहुत अच्छा दिया हुआ, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर खाना नहीं है, आपको पढ़ना भी है, ठीक है। तो 25 / 100 अगुने यहाँ पर 360 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे कट जाएगा और इसे 0 × 360 36 है, तो 5 × 5 = 25 और 5 × 10 18 × 6 18 × 5 क्या हुआ 90, इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, क्लियर समझना है। चलिए आगे बढ़ते हो, खाजा दिया हुआ, देखिए यहाँ पर खाजा भी दिया हुआ, मिठाई दिया हुआ, तो 10 उसका परसेंट दिया हुआ था और बट्टा आप जानते हैं 100 × 300 क्या होता है 60, 0 से 0 क्या होगा कर 10 से 10 का क्या होगा 36 का आंसर हो गया सही। चलिए आगे अन्न दिया हुआ था 5 और बट्टा में जानते हैं कि अन्न क्या दिया हुआ 5 अब बट्टा में जानते हैं क्या होता है, पता है कि प्रतिशत निकालने के लिए 100 होता है और वृत्त दिया हुआ है तो इसका मान निकाल देंगे और यहाँ पर 5 × 10 18 निकल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला 18 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है सभी प्रश्न को देख लिया, क्लियर कर लिया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको है ना जब भी है ना वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिस पहुँच जाए, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है टेलीग्राम में, टेलीग्राम में जो ये जिसे ना आपको है ना कोई दिक्कत ना होगा आगे चल के, है ना। अब जब भी मैं वीडियो डालूंगा या पीडीएफ डालूंगा तो आपके पास नोटिस चला आ जाएगा। अब चलिए हम आपको समझाते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। बिल्कुल है ना, आप है ना अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी गूगल ब्राउजर में आ जाना, यहाँ पर सिंपल आपको सर्च करना है, जो मैं स्टेप फॉलो करूँगा वही स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो pointofstudy.com यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो pointofstudy.com क्लियर है, यहाँ पर समझना है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा pointofstudy.com, बिल्कुल स्पेस नहीं दिया है, यहाँ पर जैसे लिखा हो वैसा ही लिख देना है। तो जैसे इस पर सर्च करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहीं पर आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए टेलीग्राम का ज्वाइन दिया हुआ है, टेलीग्राम में आपको ज्वाइन हो जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है, लेटेस्ट अपडेट में कक्षा 1, 2, 3 कक्षा 5, 6, 7, 8 का सारा का सारा यहाँ पर प्रश्न पत्र दिया हुआ है। और यहीं पर नीचे आएंगे तो कक्षा 8 के यहाँ पर मैथ का पेपर डाउनलोड करना है, तो क्लियर समझना, यहाँ पर दिया हुआ मैथ, तो यहीं पर आपको इसी पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करें तो क्या होगा, किसी तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहीं पर आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे आएंगे और नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं और थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए एक एक जानकारी आपको खुल जाएगा और यहाँ पर ना रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सोशल साइंस साइंस सब सब्जेक्ट दिया हुआ है और डाउनलोड लिंक दिया हुआ, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट के सामने उसका डाउनलोड लिंक दिया है उसी के सामने मैं क्लिक कर दिया। तो जैसे सपोर्टेड है मैथ का क्लिक करें तो मैथ के सामने यहाँ पर क्लिक हियर लिखा हुआ है, तो क्लिक हियर पर आपको क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिए, सभी लोग जाना क्योंकि ना अगला बच्चा को भी है ना कुछ प्रॉफिट हो।